अगर आप एक सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स हैं और कनाडा में काम करना या परमानेंटली माइग्रेट होना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ए टू जेड इमिग्रेशन अपडेट्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अपनी वीडियो सीरीज कनाडा इमिग्रेशन पाथवे फॉर स्किल्ड माइग्रेंट्स में एक और स्किल प्रोफाइल वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम आपको कनाडा में सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स के प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, एजुकेशन अथवा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स, मीडियन तथा रिटायरमेंट एज, करियर स्कोप, विभिन्न प्रोविंसेस में सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स की करंट जॉब ओपनिंग्स और सबसे जरूरी फैक्टर एवरेज, मैक्सिमम तथा मिनिमम वीकली और आवर्ली वेज रेट के बारे में बताएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके इमिग्रेशन से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज अथवा अन्य जानकारी सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो आइए सबसे पहले आपके प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कनाडा में हर एक ऑक्यूपेशन के लिए एक प्रॉपर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन दी गई है। ये डिस्क्रिप्शन उस प्रोफेशन के वर्क एरियाज और विभिन्न इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए जरूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छे से बताती है। सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स कुछ कर्तव्यों का पालन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव तय करना, गवर्नमेंट स्ट्रीम और पॉलिसी के अनुसार प्रोग्राम और प्रोसेस तैयार करना या एक्सेप्टेंस और इवैल्यूएशन करना, अकेले या सीनियर गवर्नमेंट कमिटीज के साथ एक्सेप्ट करना उनका काम है। चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स को पॉलिसी क्वेश्चंस पर सलाह देना और इन रिप्रेजेंटेटिव्स को फाइनल जजमेंट के लिए मेजर पॉलिसी मामलों को रेफर करना उनके काम में शामिल है। मिडिल मैनेजर्स और सीनियर स्टाफ द्वारा प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट, ब्रीफ और रिपोर्ट की रिकमेंडेशन, रिव्यू, इवैल्यूएशन और एक्सेप्ट करना उनका ही काम है। डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को अन्य सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर और अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करना, लेजिस्लेचर और अन्य गवर्नमेंट कमिटीज के सामने पॉलिसीज, प्रोग्राम्स या बजट के बारे में प्रेजेंटेशंस करना, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अलॉट करना, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्थापित करना उनका काम है। कनाडा में हर ऑक्यूपेशन के लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल की जरूरत निर्धारित है। इसके अलावा कुछ जॉब सेक्टर्स में काम करने के लिए लाइसेंसिंग अथवा अन्य सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत रहती है। तो आइए अब आपके प्रोफाइल के लिए जरूरी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में देखते हैं। सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स के लिए एक यूनिवर्सिटी डिग्री या कॉलेज डिप्लोमा की आवश्यकता होती है। रिलेटेड एरियाज में एक ग्रेजुएट डिग्री भी आवश्यक होती है और पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में कई वर्षों का मैनेजेरियल एक्सपीरियंस भी जरूरी है। कनाडा में काम करने की न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित है, परंतु हर प्रोफेशन के लिए एक तय शारीरिक तथा मानसिक स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसके अलावा ज्यादातर सेक्टर्स में काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। इन सब जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स कनाडा आपके प्रोफाइल की मीडियन वर्क एज और रिटायरमेंट एज तय करता है। अगर बात करें सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स की, तो सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स के प्रोफाइल पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की औसतन आयु 51 वर्ष है और सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स के लिए सामान्य रिटायरमेंट की आयु 61 वर्ष है। किसी भी नए कंट्री में मूव होने से पहले आप वहां पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों के बारे में जानना चाहेंगे। तो अब हम कनाडा में आपके प्रोफाइल पर काम कर रहे प्रोफेशनल्स की कुल संख्या देखेंगे और इसके अलावा आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध करंट जॉब ओपनिंग्स का एनालिसिस भी करेंगे। कनाडा में सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स के प्रोफाइल पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स की कुल संख्या 56,200 है। अगर हम सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स के प्रोविंस वाइज काउंट की बात करें तो क्वेबेक, ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटेरियो सबसे ज्यादा सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स वाले राज्य हैं। कनाडा में फिलहाल उपलब्ध जॉब ओपनिंग्स की कुल संख्या 152 है।
इन ओपनिंग्स को देखने तथा अप्लाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। किसी एक प्रोफाइल के लिए कनाडा के अलग अलग प्रोविंसेस में प्रोफेशनल्स की मांग कम या ज्यादा हो सकती है। प्रोफेशनल्स की यह डिमांड उस प्रोविंस में मौजूद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और संबंधित इंडस्ट्री सेक्टर्स के आकार पर निर्भर करती है। तो अब हम आपके प्रोफाइल में जॉब ओपनिंग्स की संख्या के आधार पर प्रोविंसेस की लिस्ट देखेंगे। jobbank.gc.ca द्वारा उपलब्ध कराए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार इस वीडियो की पब्लिशिंग डेट तक सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स के प्रोफाइल पर 64 जॉब ओपनिंग्स के साथ क्वेबेक लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड सिर्फ 21 जॉब ओपनिंग के साथ इस लिस्ट में सबसे आखिरी पायदान पर है। आपके प्रोफाइल से जुड़ी लेटेस्ट जॉब ओपनिंग्स और उन्हें अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक को अभी क्लिक करें। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट जॉब फैक्टर की बात करेंगे, जो कि आपकी सैलरी या आवली वेज रेट से संबंधित हैं। jobbank.gc.ca के द्वारा हाल ही में दिए गए आंकड़ों के अनुसार हमने कनाडा में आपकी प्रोफाइल के लिए मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियन वेज रेट का एनालिसिस किया है। तो आइए देखें कि ये आंकड़े आपके प्रोफाइल के बारे में क्या बताते हैं। कनाडा में सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स हर घंटे औसतन 53 कैनेडियन डॉलर्स कमाते हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक आपके प्रोफाइल के लिए कनाडा में मैक्सिमम वेज रेट 90 कैनेडियन डॉलर्स है और मिनिमम वेज रेट 27 कैनेडियन डॉलर्स है। सीनियर गवर्नमेंट मैनेजर्स एंड ऑफिशियल्स के प्रोफाइल के लिए अल्बर्टा सबसे ज्यादा वेज रेट के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है, जबकि न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर सबसे कम वेज रेट देने वाला प्रोविंस है। इसके अलावा अगर आप कनाडा की सभी प्रोविंसेस की एक डिटेल्ड वेज वाइज रैंकिंग देखना चाहते हैं या फिर अपनी फेवरेट प्रोविंस में आपके प्रोफाइल के लिए उपलब्ध जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर क्लिक करें। इमिग्रेशन पाथवेज। कनाडा में माइग्रेट होने के लिए कई वीजा ऑप्शंस तथा इमिग्रेशन पाथवेज उपलब्ध हैं। इन ऑप्शंस के जरिए स्किल प्रोफेशनल्स सीधे परमानेंट रेजिडेंसी, वर्क वीजा या स्टडी वीजा प्राप्त करके कनाडा में सेटल हो सकते हैं। अगर आप भी अपने प्रोफाइल से संबंधित वीजा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर अभी क्लिक करें और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ एक कंसल्टेंसी सेशन बुक करें। हम अपने ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए हर प्रकार की इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ एक वन स्टॉप ऑनलाइन इमिग्रेशन प्लेटफॉर्म देते हैं। आप हमारे एक्सपर्ट्स की टीम द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी सेशंस, असेसमेंट एप्लीकेशन फाइलिंग, एम्प्लॉयर सर्च, LMIA फाइलिंग, वर्क वीजा फाइलिंग तथा PR फाइलिंग जैसे विभिन्न विषयों पर किसी भी तरह की असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन स्टाइल रेज्यूमे बनाना चाहते हैं या फिर अपने लिए कनाडा में सेटल होने की बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप हमारे एक्सपीरियंस्ड माइग्रेशन एडवाइजर के साथ एक एक्सपर्ट कंसल्टेशन सेशन बुक कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स आपकी प्रोफाइल तथा आपके मौजूदा सर्कमस्टांसेस का डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बेस्ट एडवाइस देंगे। तो अपने प्रोफाइल पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अभी ही एक्सपर्ट सेशन जरूर बुक करें। इसके अलावा अगर आप एक कैनेडियन एम्प्लॉयर हैं तो आप अपने बिजनेस के लिए बेस्ट मैनपावर को हायर करने और उनके LMIA एप्लीकेशन या वर्क वीजा की फाइलिंग करने के लिए भी हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत सी काम की जानकारी मिली होगी। इमिग्रेशन से संबंधित ताज़ा जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और हम जल्द ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे।